हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ और वर्ड मीनिंग आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिन्हें यूज़ करके हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान देना होता है। सो फर्स्ट हमारा जो वर्ड होने वाला है आज है अल्फ़ाबेट बी के साथ में बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है साहसी या फिर डेयरिंग। दोनों ही वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं साहसी वर्ड के लिए, ठीक है, बोल्ड या फिर डेयरिंग। नेक्स्ट है बॉम्ब। बॉम्ब मीन्स होता है बम गिराना, ठीक है, टू ड्रॉप एक्सक्लोसिव बॉम्ब। बॉम्बास्टिक यानी कि दिखावा करना, बॉम्बास्टिक का मतलब होता है दिखावा करना। पम्पोज करना, पम्पोज करना यानी कि दिखावा करना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा किसी के सामने शो करना। हम कहते हैं ना कि ये तो बड़ा शो ऑफ कर रहा है, उसी टाइप से। बोनाफाइड, बोनाफाइड मीन्स होता है सत्य या फिर ट्रू। सिंपल सत्य बोलने के लिए हम ट्रू वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको बोनाफाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स होता है बंधन या फिर अग्रीमेंट, ओके, बंधन, अग्रीमेंट या फिर बॉन्ड। नेक्स्ट है बॉन्डेज। बॉन्डेज यानी कि गुलामी करना या फिर स्लेवरी करना। स्लेवरी का मतलब भी गुलामी होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो स्लेवरी या फिर बॉन्डेज दोनों का मीनिंग होता है गुलामी करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ बोन। बोन मीन्स होता है हड्डी। बोन मीन्स होता है हड्डी, अ पीस ऑफ स्केलेटन। बोनस, बोनस मतलब होता है लाभ में हिस्सा, यानी कि किसी भी चीज़ का आपको थोड़ा सा लाभ होना, लाभ में हिस्सा मिलना, शेयर इन प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है बॉनी। बॉनी मतलब होता है दुबला पतला, लीन एंड थिन। लीन एंड थिन को बोलते हैं बॉनी। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला दुबला सा होता है ना, उसको हम बॉनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बुकिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, किताबों का शौकीन बहुत कम अभी देखने को मिलता है, क्योंकि सबके हाथों में फ़ोन ही रहते हैं। तो बुकिश जो होता है उसको बोलते हैं जो किताबों का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, तो फॉन्ड ऑफ बुक्स, जिसको किताबें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नेक्स्ट है बूम। बूम मीन्स होता है गरजना, टू रॉर, ठीक है, टू रॉर। रॉर मीन्स क्या होता है, गरजना, टू रॉर। नेक्स्ट है बून। बून मीन्स होता है वरदान या फिर वरदान या फिर ब्लेसिंग। नेक्स्ट है बूथ। बूथ मीन्स होता है झोपड़ी और हट। थर्ड है बॉर्डर। बॉर्डर मीन्स होता है किनारा या फिर सीमा, किसी भी चीज़ की सीमा या किसी चीज़ का किनारा, साइड या लिमिट हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोर। बोर मीन्स होता है थकना या फिर टायर, थकान जैसा होना, बोर होना यानी कि थकान जैसा होना, ठीक है। बोरो, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, टू टेक ऑन लोन, टू टेक ऑन लोन। आई होप ये जितने भी वर्ड हैं आप इनको यूज़ करोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, उतना ज़्यादा हमारी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरे पूरे सेंटेंस बोलने आए, बट जब तक आपको वर्ड्स ही नहीं पता तो आप सेंटेंस बोल भी नहीं सकते। तो फर्स्ट जो थिंग होती है जिसको हमें इम्प्रूव करना होता है, वो होता है हमारी वोकैबुलरी। आप इन सभी वर्ड्स को जो है याद कीजिए, इनके मीनिंग यहाँ पर हैं, अल्टरनेटिव्स यहाँ पर हैं, इन वर्ड्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके काम के रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।